हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेंद्र राजावत सीरीज एमआई इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलीनोमियल। यही चैप्टर आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, वहां भी चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल ही था। हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं। इसका आज लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 क्लास 9th और क्लास 10th के लिए कॉमन वीडियो होगा। इसके साथ ही हम यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग वीडियोस भी बनाएंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का एक कॉमन वीडियो रहेगा। जो टर्म्स मुझे इंग्लिश में लिखने उन्हीं को मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ये बेनिफिशियरी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो एजेंडा रहने वाला है, वो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पॉलीनोमियल का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। इसके बाद में हमें ये देखना है कि पॉलीनोमियल हम क्यों पढ़ेंगे, हम पॉलीनोमियल को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बिना किसी भी कारण जाने हम यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। हर चीज का कोई ना कोई पर्पज होता है कि हम ये कहाँ यूज करने वाले हैं। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि वेरिएबल्स यानी चर क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद में हम ये देखेंगे एलजेब्रा का क्या मीनिंग होता था, बीजगणित किसे कहते हैं, फिर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं था, बीजीय व्यंजक का क्या मतलब होता है। इसके बाद में हम देखेंगे टर्म्स क्या होते हैं था, पद किसे कहते हैं, और टर्म्स का भी फिर दो टाइप्स के टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, अर्थात समान तथा असमान पद, तो इनका मीनिंग देखेंगे। उसके बाद में हम एक छोटा सा टॉपिक और है, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स यानी कि गुणनखंड तथा गुणांक किसे कहते हैं, इसके भी कुछ एग्जांपल्स के साथ में इसको समझेंगे। फिर पॉलीनोमियल को हम वापस से समझेंगे, इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। जितना हमने पढ़ लिया इतना, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद में हमारा एक लास्ट टॉपिक और हम करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। इसके साथ ही हम करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, जिससे कि हमारे को जितने भी टॉपिक्स हमने आज कवर किए उनके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमारे को उनके क्वेश्चंस बनाने भी आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं पॉलीनोमियल का मीनिंग क्या होता है। तो पॉलीनोमियल का मतलब होता है, देखो यहां ध्यान से समझना, पॉलीनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है पॉली, पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी मतलब बहुत सारे, और नोमियल, नोमियल का मीनिंग होता है टर्म्स, इसका मतलब होता है पद। हिंदी में देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं हिंदी वर्ड से, बहु का मतलब होता है बहुत सारे और पद मतलब पद। तो ऐसा कुछ हम पढ़ने वाले हैं जिसमें बहुत सारे क्या होंगे, टर्म्स होंगे। अब ये देखते हैं कि इसको पढ़ना क्यों होता है हमारे को। इसको समझने से पहले हम देखो दो एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद में हम देखेंगे कि हमें क्यों पढ़ना होता है। देखो यहाँ एक बॉल है, इस बॉल को थ्रो किया गया है यानी कि फेंका गया है। तो बॉल को जब फेंकते हैं तो बॉल कैसे चलती है, इस तरीके से चल के फिर वापस से ग्राउंड पे यानी कि जमीन पे गिर जाती है। तो ये बॉल का जो रास्ता है ना, पाथ, इस पाथ को बोलते हैं परवलय यानी कि पैराबोला, जो भी एक तरीके का क्या होता है, पॉलीनोमियल भी होता है। इसका मतलब जो इक्वेशन बनेगी इस पैराबोला की, जो इक्वेशन होती है वो भी एक तरीके की क्या है, पॉलीनोमियल की ही इक्वेशन हम पढ़ने वाले। इसके अलावा आप लोगों ने एफिल टावर तो देखा होगा, एफिल टावर के अंदर आप ध्यान से देखोगे ना तो नीचे आपको इस टाइप की एक शेप मिलेगी। इस शेप को भी क्या देखो, इसी तरीके की शेप दिख रही है, तो ये शेप भी क्या है, एक तरीके का पैराबोला है। यानी कि हमारे आसपास में बहुत सारी डिजाइन या शेप्स ऐसी दिखती है जिसको पॉलीनोमियल का कंसेप्ट यूज करके बनाया जाता है। तो इसलिए हमारे को, हमारे तो डायरेक्ट यूज नहीं होगा क्योंकि हम ये बनाने नहीं बैठते हैं, ये हम जब पढ़ेंगे, जैसे फिजिक्स में 11th के अंदर ये चैप्टर पढ़ने को मिलता है, तो वहां इसकी डिटेल दी हुई है सारी, इसकी इक्वेशन बनानी पड़ती है, तो वहां वो लोग यूज करते हैं। अभी हमारा मेन पर्पज है कि हमें बस पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। तो हम आगे वाली स्लाइड पे ये देखते हैं वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो देखो वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है वो समझो। देखो ऐसी कोई क्वांटिटी, ऐसी कोई चीज जिसकी जो वैल्यू है वो क्या हो, चेंज हो सकती हो, बदलती रहती हो, ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल्स बोलते हैं। अब ये वैल्यू बदलेगी क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। अब सिचुएशन क्या होती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे बदलेगी, ये देखो समझते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल, आपने काफी बार पढ़ा होगा 6, 7, 8 हर क्लास में लगभग आता है। ये क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बी यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो यहाँ देखो मैंने 3 रेक्टेंगल्स बनाए यहाँ पे, क्या तीनों रेक्टेंगल्स यानी तीनों आयतों की लंबाई चौड़ाई दोनों सेम है क्या। देखो
यहां इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, यहां इसकी लंबाई बदल के ये हो गई, यहां इसकी लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये है। इसके अलावा आप जो मोबाइल पे स्क्रीन पे देख रहे हो वो भी क्या है, अलग साइज का एक रेक्टेंगल सा ही बन रहा है और मोबाइल की साइज अलग होगी। आपका जो पेपर होगा जिसपे आप लिख रहे हो वो भी क्या होगा, एक अलग साइज का होगा। यानी यहाँ जो एल और बी है इनकी वैल्यू क्या हो रही है, लगातार अलग अलग केस में अलग अलग हो रही है। तो हम बोल सकते हैं इनकी जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है, मतलब बदल रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स को किससे डिनोट किया जाता है, इंग्लिश के अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी वगैरह से। इसके अलावा कुछ सिंबल्स यानी कुछ साइन भी यूज किए जाते हैं, जैसे ये एक साइन यूज किया जाता है इस चैप्टर में, इसको यूज भी करेंगे हम, इसको बोलते हैं अल्फा। एक ये साइन भी यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं बीटा। यहाँ क्या अल्फा और बीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे निकल के आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ एक चीज और है ध्यान देने वाली, कभी कभी क्या होता है हम कॉन्स्टेंट्स को भी किसी सिंबल से या किसी अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। इसको देखो यहां समझो, यह लिखा है स्पीड ऑफ लाइट। आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा, सॉरी नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल वाला कांस्टेंट होता है कैपिटल जी से, वो क्या होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है। उसी तरीके से क्या होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी जहां हवा भी नहीं होती उस जगह पे जो लाइट है वो कितनी स्पीड से चलती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको जब आप जीरो लगा के वो सोल्व करोगे तो लगभग 30 करोड़ मीटर पर सेकंड में चलती है। तो इसकी जो वैल्यू है ना ये फिक्स होती है किसके अंदर, वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, जहां हवा भी नहीं होती। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। अब ध्यान रखना, अगर वो बोले कि स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट कर रहा है सी, तो उस वाले केस में सी की वैल्यू क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी। इसका मतलब सी की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स है, ये बदल नहीं रही, सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं बदलेगी, वैक्यूम में इतनी की इतनी रहेगी। तो ये भी ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं बोलता है केवल एबीसी वगैरह एक्स वाई जेड टाइप की कोई वैल्यू दे देता है तो उसका मीनिंग क्या है, वेरिएबल है। लेकिन अगर बोल देता है कि वो जो सी है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट को, तो हम बोलेंगे कि वो वाला सी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब ये क्या है, अचर है। अब यहां देखो कॉन्स्टेंट किसको बोलते हैं, वो भी मैंने लिख दिया। कॉन्स्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, बदलती नहीं है। जैसे किसी क्वेश्चन में क्या हुआ है, दो लिखा हुआ है तो वो दो ही रहेगा, अपने अकॉर्डिंग ही बदल जाएगा। -5 -5 ही रहेगा, ऐसे 7/2 और पाई वगैरह इनकी वैल्यू भी क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग बदलती नहीं है, हर क्वेश्चन में क्या रहेगी, अगर ये लिखी हुई है तो सेम ही रहने वाली है। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे वाली स्लाइड पे हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि एलजेब्रा किसे कहते हैं। तो एलजेब्रा क्या है, मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं और कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले भी देखा होगा आपने मैथ में जो डायग्राम्स वगैरह के बारे में पढ़ते हो, उस मैथ की ब्रांच को हम ज्योमेट्री बोलते हैं। उसी तरीके से तुम फर्स्ट से लेके फिफ्थ क्लास तक केवल नंबर्स के बारे में पढ़ते आए थे, डिजिट्स के बारे में पढ़ते आए थे, यानी कि संख्या और अंकों के बारे में, उसको बोलते थे अर्थमेटिक। ठीक है, उसी तरीके से मैथ की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी अबाउट वेरिएबल्स यानी चरों के बारे में पढ़ते हैं और कॉन्स्टेंट्स यानी अचरों का अध्ययन करते हैं, तो उस ब्रांच का हमने क्या नाम दिया है, एलजेब्रा बोलते हैं उसको। एलजेब्रा से ही एक चीज निकल के आई है, देखो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। तो देखो एलजेब्रिक का मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई दिखेगा, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिखने वाला है जिसमें हम वेरिएबल्स भी देखेंगे और कॉन्स्टेंट्स को भी देखेंगे। तो देखो मैंने लिख भी दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स यानी चर का एंड अचर यानी कॉन्स्टेंट्स विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, इन सब का यूज करके वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया जाए तो वो जो एक्सप्रेशन जो दिखेगा तुम्हें वो क्या कहलाता है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। इस एग्जांपल को देखो, यहां से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहां लिखा है 2x²y - 3x+7। अब इसके अंदर देखो एक्स वाई और जेड ये तो वेरिएबल्स यूज किए हमने, इसके अलावा 2 - 3 और 7 ये कॉन्स्टेंट्स यूज किए। इसके अलावा देखो यहाँ पे 3 साइन भी यूज हुए, माइनस प्लस तो आपको दिख ही रहे होंगे। इसके अलावा इनके सबके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई वाला साइन भी यूज हुआ है। तो हमने ऑपरेटर्स यूज किए मैथ के, कौन कौन से, प्लस मल्टीप्लाई और माइनस, इन सबकी हेल्प से जो ये एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको यही एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन अर्थात बीजीय व्यंजक। अब इसी से देखो हम एक छोटा सा टॉपिक और है, टर्म्स किसको कहते हैं वो भी देख लेते हैं। किसी भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पार्ट्स होते हैं, आपको कौन से वाले पार्ट्स, वो वाले पार्ट्स जो प्लस और माइनस से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। तो देखो ध्यान से इसको देखो, मैंने लिखा भी है पहले, पार्ट्स ऑफ एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन
विच आर सेपरेटेड बाय साइन ऑफ प्लस एंड माइनस, यानी प्लस तथा माइनस से विभाजित बीजीय व्यंजक के भाग क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। अब एग्जांपल से समझो, देखो मैंने यही एग्जांपल यहाँ लिखा है 2x²y - 3xy + 7। अब यहाँ देखो प्लस और माइनस और प्लस से ये तीन पार्ट्स बन रहे हैं, जो कि मैंने देखो यहाँ पे क्लाउड टाइप का बना के लिखा है। तो एक पार्ट कौन सा हो गया 2x²y, और एक कौन सा हुआ -3xy, और एक कितना है 7। तो ये तीनों इसके पार्ट्स कहलाते हैं। तो ये पार्ट्स क्या कहलाएंगे, इसके टर्म्स कहलाएंगे। तो ध्यान से देखो, मैंने एक चीज और लिखी है यहाँ पे, जब भी कभी भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स लिखोगे तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा, हमारे को साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ देखो मैंने 2x²y, मैंने बोला प्लस माइनस से सेपरेटेड है, तो प्लस माइनस से सेपरेटेड तो ये हो गया 2x²y, 3xy और 7। लेकिन मैंने यहाँ देखो -3xy लिखा है, तो ये भी ध्यान रखना है कि जब भी टर्म्स लिखे तो उस टाइम पे हमें साइन को भी ध्यान में रखना है। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले वाले स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो देखो लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं, अगर दो टर्म्स या दो से ज्यादा टर्म्स ऐसे हो जिनके वेरिएबल्स यानी कि चर क्या हो, सेम हो, दोनों के अंदर सेम वेरिएबल यूज करें, या उन चरों की साथ के साथ ध्यान रखना उन चरों की जो वेरिएबल्स यूज करें उनकी पावर्स, जिसको एक्सपोनेंट्स भी बोल सकते हो, यानी कि उनकी घात, वो भी क्या हो, सेम हो, तो ऐसे दो या दो से ज्यादा टर्म्स को हम क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो यहां देखो इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या हुआ है, x x नाम का वेरिएबल यूज हुआ है, यानी दोनों में वेरिएबल सेम है, और दोनों के वेरिएबल की पावर कितनी है, x पावर 1 है, यहां भी x पावर 1 है, जहां कुछ भी नहीं होती पावर वहां 1 मान के चलते हैं, तो दोनों की पावर भी सेम थी, यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, तो बोलेंगे कि ये दोनों टर्म्स क्या कहलाएंगे, लाइक टर्म्स कहलाएंगे। इसी तरीके से देखो यहां, देखो यहां वेरिएबल क्या x और y है, यहां भी x और y है, यहाँ वेरिएबल में x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स भी क्या होंगे, एक दूसरे के लाइक टर्म्स कहलाएंगे। अब देखते हैं अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं, अर्थात असमान पद किसे कहते हैं। तो इसके तीन केस बन सकते हैं, तीनों केस मैंने यहाँ लिख दिए हैं। देखो हो सकता है वेरिएबल्स तो क्या हो, दोनों में सेम हो, लेकिन उनकी पावर्स क्या हो, डिफरेंट हो। साथ के साथ एग्जाम्पल भी समझते हैं। देखो यहाँ 2x है, यहाँ पे -3x² है, दोनों के अंदर x वेरिएबल यूज हुआ है, लेकिन यहाँ x की पावर 1 है तो यहाँ x की पावर, यहाँ x की पावर 1 है तो यहाँ x की पावर 2 यूज हुई है। इसी तरीके से एक केस ये हो सकता है कि वेरिएबल्स क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन पावर्स क्या हो, सेम हो। तो देखो इस एग्जांपल में देखो x की पावर कितनी है, 1 है, y की पावर भी 1 है, तो पावर सेम दिख रही है, लेकिन वेरिएबल्स क्या है, यहाँ x है तो यहाँ क्या है, y यूज हुआ है। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही चीजें डिफरेंट हो, यानी वेरिएबल्स और पावर्स, वेरिएबल की पावर, ये भी ध्यान रखना वेरिएबल की पावर देखनी है, कॉन्स्टेंट की पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, और ना ही यह आगे क्या आ रहा है इससे कोई मतलब है। तो देखो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दोनों ही क्या हो, डिफरेंट यानी अलग अलग हो। तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ वेरिएबल y है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, दोनों ही अलग है, तो इन तीनों केसों को हम क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वो क्या है, देखो केवल हम क्या कर सकते हैं, जो लाइक टर्म्स होते हैं यानी समान पद होते हैं उन्हीं को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि मैं 5 किलो चीनी लेके आया हूं, उसको मैं 2 किलो चीनी से ही प्लस कर सकता हूं, कभी भी मैं 5 किलो चीनी को 2 रुपए के साथ में प्लस नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीनी है वो किलोग्राम में यूज हुई है, वो रुपए में यूज हुई है, दोनों अलग अलग टाइप की चीजें हैं, तो हम उनको यूज नहीं कर सकते, यानी कि ऐड नहीं कर सकते, ना ही उनको घटा सकते। तो यहां देखो ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, केवल समान पद ही जोड़े तथा घटाए जा सकते हैं। ध्यान रखना गुणा और भाग किए जा सकते हैं, लेकिन जोड़े तथा घटाए केवल कौन से टर्म्स जा सकते हैं, लाइक टर्म्स यानी समान पद। यहाँ देखो मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है, जैसे 2x - 4x है, तो यहाँ क्या आएगा, दोनों लाइक टर्म्स थे, यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, यहाँ भी x की पावर 1 थी, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो दोनों को सोल्व करने पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। इसके अलावा देखो यहाँ लिखा हुआ 2x + 3y, तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहीं पे स्टॉप कर लेंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर अगले वाली स्लाइड में चलते हैं। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, इसको समझते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ही हमारे को समझ में आएगा। यहाँ क्या लिखा है, देखो 2x²y - 7xy, तो 2x²y इसका एक टर्म है, ये जो टर्म है बहुत सारी चीजों से मिलकर बना, देखो किस किस से,
जैसे 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई, और ये एक्स स्क्वायर भी किससे मिलकर बना हुआ है, एक्स और एक्स से मिलकर बना हुआ है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, फैक्टर्स किसको बोलते हैं, कोई भी टर्म बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स के प्रोडक्ट से यानी कि मल्टीप्लाई करने से बनता है, तो वो हर एक पार्ट जिसको हमने मल्टीप्लाई किया था वो क्या कहलाता है, इसका एक गुणनखंड कहलाता है। तो देखो यहां बोल सकते हैं 2x स्क्वायर y का कोफिशिएंट, वो सॉरी फैक्टर क्या क्या होगा, 2 होगा, x होगा, y होगा। और ध्यान रखना इसको आगे हम क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, जैसे एक्स स्क्वायर को हमने तोड़ के क्या लिख लिया था, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और जिसको लास्ट में हम आगे सोल्व नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इरिड्यूसिबल फॉर्म, यानी कि इसको आगे हम रिड्यूस नहीं कर सकते यानी कि तोड़ नहीं सकते, तो वो वाला रूप हमने बना लिया। अब इसके अलावा देखो हम इसको कई और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हम बोले कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या हमें ये मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे 2x स्क्वायर और y, ये क्या है इसके फैक्टर क्या लेंगे। उसी तरीके से 2 और x स्क्वायर y को मल्टीप्लाई करने पे भी क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो x स्क्वायर y भी इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ऐसे ही देखो 2y और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पे भी क्या मिल जाएगा, ये वाला टर्म मिल जाएगा, तो 2y भी क्या है इसका एक फैक्टर है। इसी तरीके से आगे भी बहुत सारे फैक्टर्स इसके बना सकते हैं। तो फैक्टर का सिंपल मीनिंग तुम लोग ये ध्यान रखना कि कोई भी टर्म बहुत सारी चीजों के यानी वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करने से बनता है, तो वो हर चीज हर वेरिएबल या कॉन्स्टेंट जिसको हमने मल्टीप्लाई किया था एक टर्म यानी एक पद बनाने के लिए, वो हर एक वेरिएबल और कॉन्स्टेंट उसका क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो यहां देखो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को बिना के हमने एक फैक्टर बनाया, मतलब सॉरी एक टर्म बनाया है, और वो वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स क्या थे, उसके फैक्टर थे। तो ये फैक्टर के दो हो सकते हैं, देखो एक में तो वेरिएबल वाला पार्ट आ रहा हो तो उसको बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर या लिटरल फैक्टर, जिसको चर गुणनखंड भी बोल सकते हैं हम। एक होता है जिसके अंदर केवल कॉन्स्टेंट वाला पार्ट होगा, तो जैसे 2 है, 2 क्या है, कॉन्स्टेंट वाला पार्ट है यानी कि अचर वाला पार्ट है, तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर यानी कि आंकिक गुणनफल गुणनखंड। तो इसी से हम क्या करेंगे, एक नया वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। देखो कोफिशिएंट क्या होता है, समझो जो किसी भी टर्म का जो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा यानी कि अंक वाला कॉन्स्टेंट वाला जो वो होगा पार्ट होगा फैक्टर होगा, वही क्या कहलाता है उसका, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो उसका कोफिशिएंट्स के उसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे यहां देखो -2x2y, तो यहां पे न्यूमेरिकल वाला पार्ट यानी कि अंकिक वाला पार्ट कौन सा, -2, तो यहां क्या होगा इस वाले टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो गया, -2। अब देखो यहां दो और छोटी छोटी चीजें मैंने लिखी है, जैसे x का कोई कोफिशिएंट पूछ ले तो x के आगे कुछ भी नहीं है, तो यहां मल्टीप्लाई में हम 1 कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, तो यहां इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। अब यहां इसके x के मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस लिखा हुआ केवल, तो हम इसका मीनिंग क्या समझ सकते हैं, -1 समझ सकते हैं, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ध्यान रखना जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ उसका कोफिशिएंट यानी उसका गुणांक क्या होता है, 1 होता है, जिसके आगे -1 लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, -1 होता है। इसी तरीके से देखो इसके अलावा हमने देखो किसका भी वेरिएबल वाले पार्ट के अलावा जो बाकी बचा था वो कॉन्स्टेंट वाला पार्ट था उसको हमने क्या बोला, कोफिशिएंट बोला। इसके साथ ही अलग अलग जितने भी फैक्टर्स बन रहे हैं हम उनके भी क्या निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट यानी उनके भी गुणांक निकाल सकते हैं, उसका मीनिंग क्या समझो। देखो जैसे ऐसा पूछ ले कि बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो एक्स स्क्वायर एक फैक्टर है ये हम ऑलरेडी कर चुके, तो इस वाले एक्स स्क्वायर वाले फैक्टर का क्या बताओ, गुणांक बताओ, तो इसको कैसे निकालते हो देखो यहां से समझ लो, अभी आप लोग 4-5 क्वेश्चंस में इसी में से और करवा दूंगा तो वो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तो किसी भी फैक्टर का जो कोफिशिएंट होता है यानी कि गुणांक होता है वो क्या होता है, उस फैक्टर को छोड़कर टर्म का बचा हुआ भाग क्या होता है उसका कोफिशिएंट कहलाता है। अब इसका मतलब क्या समझो, जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर का, इसमें एक्स स्क्वायर का हमें क्या पता करना है, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक पता करना है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दो यहाँ पे, उस वाले फैक्टर को छोड़ दो, देखो उस फैक्टर को छोड़कर बाकी का क्या बच गया, -2 बच गया और वाई बच गया, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, -2y हो गया। अब जैसे यहाँ पे 2y का कोफिशिएंट पूछा है तो 2y को छोड़ के क्या बचेगा, 2 और y को छोड़ के क्या बचा, माइनस और एक्स स्क्वायर बचा, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, -x² हो गया। अब कोई ऐसा पूछे बताओ कि 2x² y का कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट ऑफ 2x² y,
तो 2x2y को छोड़ दो, 2x2y इसको छोड़ दो, तो इसके अलावा क्या बचा? माइनस, तो माइनस अकेला तो साइन तो बचता नहीं है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो फैक्टर्स और कोफिशिएंट्स हमें क्या करना है हमारे सिलेबस में, इन सबको फाइंड करने के कोई कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, अगर कुछ भी नहीं बोले कि किसका फैक्टर निकालना है या किसका कोफिशिएंट पता करना है, तो हमें क्या करना है, जो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा इसी को क्या मानना है? कोफिशिएंट मानना है, यानी कि गुणांक मानना है। तो ये चीज भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पॉलिनोमियल का मीनिंग समझते हैं, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझते हैं। तो देखो, ध्यान से देखना, इसको समझने से पहले हम दो एग्जांपल्स को देखते हैं, उन एग्जांपल्स को देखने के बाद में हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पे आते हैं। तो हमने पॉलिनोमियल का मीनिंग तो समझ ही लिया कि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे क्या हो, टर्म्स हो, यानी कि पद। अब देखते हैं इन दोनों एग्जांपल्स को, देखो एक एग्जांपल यहां मैंने नोट किया है, ये रहा, और एक एग्जांपल ये रहा। तो देखो एग्जांपल है 2x2 - 3√x + 7। यहां वेरिएबल्स कौन कौन से यूज किए हैं हमने और उन वेरिएबल्स की पावर कौन कौन सी है वो मैंने यहां लिखा है। देखो इस वाले टर्म के अंदर वेरिएबल एक्स है, यहां भी वेरिएबल एक्स यूज किया है, यहां पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया इसकी जगह पे। अब वेरिएबल्स की जो पावर्स है कितनी कितनी है वो भी मैंने यहां नोट किए। देखो तो यहां एक्स की पावर कितनी है, 2 है, यहां एक्स रूट की पावर, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहां एक्स की पावर 1/2 है और यहां कोई वेरिएबल था ही नहीं। तो देखो अगर मान लो कि x की पावर 0 रहा होगा, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहां x की पावर 0 बराबर 1 है, तो अगर हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। तो मान लो कि x की पावर 0 था, तो उसके हिसाब से वेरिएबल की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई। यानी इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, उसके सभी वेरिएबल्स की पावर को निकाल लिया। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है क्योंकि इसमें वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स वगैरह यूज हुए। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लिखा है, वो क्या है, देखो 2x³ - 4x² + 7x + 8। इसके अंदर देखो वेरिएबल कौन कौन से यूज हुए, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और यहाँ कोई भी नहीं है। तो यहाँ x वाले वेरिएबल की पावर क्या है, 3 है, और यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, तो यहाँ वेरिएबल की पावर 0 है। अब ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों, क्योंकि यहां भी क्या है, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स और साइन को हमने क्या किया, यूज किया। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो चीज समझो। देखो यहां जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं ना, इनकी जो पावर्स है वो 2, 0, 7 में क्या आ रही है, फ्रैक्शन में भी आ रही है। इसके अलावा मैं इसमें एक और टर्म ऐड कर देता हूं, 1/x। तो 1/x को कैसे लिखोगे, x ऊपर चल जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से यहां जो x वेरिएबल यूज हुआ है उसकी पावर कितनी होगी, माइनस का 1 होगी। तो यहां क्या हो रहा है, जो भी पावर्स है वेरिएबल की वो क्या है, फ्रैक्शन में भी दिख रही होगी, माइनस की भी दिख रही होगी, प्लस की भी दिख रही होगी, जीरो भी दिख रही है, ये सारे टाइप की पावर्स है। लेकिन इस वाले एक्सप्रेशन में जो पावर्स है वो क्या है, देखो 0, 1, 2, 3 कोई भी फ्रैक्शन में नहीं दिख रही होगी, कोई भी माइनस की पावर नहीं दिख रही होगी। अब इसी को देखना, देख के हम क्या करते हैं, डेफिनेशन बनाते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक बीजीय व्यंजक होता है, AE का मतलब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके जो वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं यानी कि जो चर यूज कर रहे हैं उनकी पावर्स क्या होनी चाहिए, हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, अर्थात होल नंबर्स भी बोल सकते हैं, हिंदी में बोले तो ऋणात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या। अब क्या मतलब हुआ इसका, मतलब कोई भी पावर ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए ना ही माइनस की होनी चाहिए, वो सारी की सारी पावर्स क्या होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इनमें से अगर कहीं पे हो रही है तो हम बोलेंगे कि उस वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, कि वो वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो अब यहां से ये भी समझ सकते हो, देखो पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, कि दोनों के अंदर वेरिएबल कॉन्स्टेंट तो यूज करते हैं हम, ये दोनों में एक सिमिलरिटी है, लेकिन डिफरेंस ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा, पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन पॉलिनोमियल के अंदर जो भी पावर्स होगी, जो भी घात होगी, वो हमेशा क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन्हीं में से कोई यूज करनी पड़ेगी। तो वैसे भी बोल सकते हो कि जितने भी पॉलिनोमियल्स है वो सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होंगे, यानी बीजीय व्यंजक तो होंगे, लेकिन क्या सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक पॉलिनोमियल हो सकते हैं क्या, वो नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि केवल वही पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनकी पावर्स क्या हो, जिनमें वेरिएबल्स की पावर क्या हो,
इनमें से कोई हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, पावर किसकी देखनी है, केवल वेरिएबल यानी चर की ही पावर देखनी है, बाकी की पावर हमें देखनी नहीं है। तो इसको भी नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं एग्जांपल्स देखते हैं इसके 8-10। तो अब हम देखो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि यहां हमें क्या करना है, चेक करके बताना है कि दिए हुए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है यानी बीजीय व्यंजक है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल है या नहीं है ये चेक करने के लिए अभी अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो याद रखनी है कि हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को देखना है, उनकी पावर्स को निकाल के देखना है। अगर उनकी पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्हीं में से कुछ मिल रही है बिना फ्रैक्शन के और बिना माइनस के नंबर के, तो हम बोल देंगे कि वो वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, यानी वो वाला जो बीजीय व्यंजक होगा वो पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद होगा वरना बहुपद नहीं होगा। तो हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो सब जगह पे क्या आ रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्हीं में से आ रही है क्या वेरिएबल की पावर। देखो ये आगे तक जाएंगे, ये मत सोचना कि 3 तक ही होनी चाहिए, 4, 5, 7, 6 वगैरह नहीं यूज करनी है हमें। तो आगे तक इन्हीं में से कोई पावर आ रही है क्या, तो हम बोल देंगे कि ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, यानी कि ये वाला बीजीय व्यंजक पॉलिनोमियल होगा। अब देखो यहां देखना है तो यहां एक चीज ध्यान देने वाली है, यहां एक्स के रूट नहीं दिख रहा है, यहां केवल किसके रूट है, 2 के रूट है, यानी कि 2 के स्क्वायर रूट है। तो x की पावर यहाँ कितनी है, 1 है, और यहाँ तो x की पावर 0 है, तो 0 भी हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद होगा। अब इसको देखो, यहाँ 2 के भी रूट है और x का भी रूट है, तो यहाँ x का रूट है मतलब x की पावर कितनी है, 1/2, तो 1/2 पावर नहीं होनी चाहिए, तो हम बोल देंगे कि ये वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आगे देखो यहाँ x की पावर कितनी है, 1/2, यहाँ नीचे 1/2 है डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में अगर 1/2 पावर है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1/2। तो यहाँ x की पावर कितनी है, -1/2, और यहाँ कितनी है x की पावर, सॉरी +1/2 है यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ से पावर दी है हमें, तो हम बोलेंगे कि ये भी क्या है, नहीं है। तो अब देखो एक ये है, ये सॉरी, इन दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ क्या है, ये p/q टाइप के दिख रहे होंगे, आप लोगों ने रेशनल नंबर्स पढ़े होंगे यानी परिमेय संख्याएं पढ़ी होगी, ये p/q टाइप के दिख रहे हैं, इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते हम, ठीक है, आगे हल नहीं कर सकते, यानी नीचे वाले को ऊपर नहीं ले जा सकते। तो इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस दिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शंस, यानी कि परिमेय फलन। तो ये क्या होंगे, ऊपर जाएंगे ही नहीं, तो इनको हम बोलेंगे कि ये वाले जो है वो कभी भी पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते। अब यहां मैंने एक और एग्जांपल दिया, देखो 3/2, ऊपर x की पावर 3/2 है, नीचे क्या है, x की पावर 1/2 है, यानी रूट है यानी 1/2 होगा। तो इसको पहले हम थोड़ा सा सोल्व करके देखेंगे, तो क्या होगा, देखो 3/2 ऐसे कैसे, x की पावर ऊपर कितनी है 3/2, नीचे वाला 1/2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2, और दोनों का जो आधार है, बेस है, वो क्या है, x x है, तो पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये -1/2 आ गया, और प्लस y +7, 3/2 इसमें से 1/2 जाएगा, 3/2 का मतलब होता है 1.5, एक और आधा, उसमें से आधा गया तो एक बच गया, तो यहाँ क्या हुआ, 3/2 पावर x हो गई प्लस y +7। तो देखो यहाँ इसको थोड़ा सा सोल्व करने के बाद में हमें क्या मिला, सारी की सारी पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी 0 है, तो क्या इन्हीं में से कोई पावर मिल रही है, तो हम बोलेंगे कि ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ x की पावर कितनी है, 3 है, यहाँ 7 का रूट है, लेकिन हमने अभी देखा था केवल किसको देखना है हमें, वेरिएबल्स को, यानी चल को देखना है, तो यहाँ 7 चल तो है नहीं, वेरिएबल तो है नहीं, तो यहाँ x की पावर कितनी है, 3 है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ देखो 1/x + x, तो यहाँ x की पावर कितनी है, 1 है, लेकिन यहाँ देखो ऊपर जाएगा x तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ x की पावर कितनी है, माइनस का 1 है, तो माइनस में नहीं होनी चाहिए पावर, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ देखो ये x है, इस x को हम क्या करेंगे, सबके अंदर डिवाइड कर सकते हैं इस x से, तो यहाँ x को x² में x से डिवाइड करेंगे तो 1x कट जाएगा, 1x बच जाएगा, प्लस इस x को इस x से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, x x कट गया, यहाँ क्या हुआ, x से x कट जाएगा, x 3x बच जाएंगे, तो ये क्या है, देखो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ कितनी है, 3 है, तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल
होगा। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं। तो जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को देखना है, उनकी पावर को देखना है, अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको ऊपर ले जाके देखना है, अगर पावर इनमें से कुछ आ रही है तो हम बोल देंगे कि वो वाला जो एक्सप्रेशन है यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है, वो पॉलीनोमियल यानी कि बहुपद होगा वरना बहुपद नहीं होगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए। एक लास्ट टॉपिक और है, वो भी कर लेते हैं हम। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलीनोमियल क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। डायरेक्ट एक एक नंबर में एमसीक्यूज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनाए जा सकते हैं, तो ध्यान से समझना। देखो इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल को देखते हैं, इस एग्जांपल से ही फिर हम इसके डेफिनेशन को समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, एक्स क्यूब प्लस टू जेड पावर फोर प्लस सेवन वाई पावर सेवन प्लस एट। पहले तो ये चेक कर लो कि ये पॉलीनोमियल है या नहीं है। तो देखो यहाँ पावर तीन है या चार है या सात है या कुछ भी नहीं है, यानी जीरो है। तो यानी कि हमने अभी लिखा था जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, इन्हीं में से कुछ आ रही है पावर, तो हम बोल देंगे कि ये पॉलीनोमियल तो है। अब क्या करेंगे, इसके जो वेरिएबल्स है ना, जो चर है इसमें यूज किए, उन सबकी क्या निकालेंगे, पावर निकालेंगे। तो देखो यहाँ वेरिएबल एक्स है, यहाँ वेरिएबल जेड है, यहाँ वेरिएबल वाई है, यहाँ वेरिएबल यानी कि यहाँ चर एक्स है या वाई है, यहाँ सॉरी जेड है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब इन सबकी हम क्या लिख लेते हैं, एक बार पावर लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ एक्स की पावर कितनी है, तीन है, यहाँ जेड की पावर कितनी है, चार है, या वाई की पावर कितनी है, सेवन है, और यहाँ एट के साथ कोई वेरिएबल ही नहीं था, उसकी पावर कितनी है, जीरो। इन सभी पावर्स के अंदर से ये जो सात वाली पावर है ये क्या है, सबसे ज्यादा है, यानी कि इसको बोल सकते हैं हाईएस्ट पावर है। तो किसी भी पॉलीनोमियल में जो वेरिएबल यूज करेंगे हम, यानी जो चर यूज करेंगे, उसकी जो सबसे ज्यादा पावर होगी, अधिकतम वाली जो घात होगी, उसी घात को क्या बोला जाता है, उस पूरे पॉलीनोमियल की क्या बोलते हैं हम, डिग्री बोलते हैं, यानी कि बहुपद की घात बोलते हैं, पूरे की डिग्री को। तो यही चीज मैंने लिख दी, देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, किसी भी पॉलीनोमियल के अंदर वेरिएबल यानी चर की जो अधिकतम घात होगी, उस अधिकतम घात को ही हम क्या बोलते हैं, उस पूरे पॉलीनोमियल यानी उस पूरे बहुपद की क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, यानी कि बहुपद की घात बोलते हैं। अब देखो मैंने दो एग्जांपल्स और लिखे हैं, इनसे थोड़ा ये अलग टाइप के हैं। देखो यहाँ देखो वेरिएबल क्या है, एक्स है, इसकी पावर क्या है, तीन है। अब देखो अगर आप लोग डायरेक्ट करोगे कि जो सबसे ज्यादा दिख रहा है वही क्या है, पावर है, तो आपके गलती हो जाएगी। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ एक्स है वेरिएबल है, यहाँ वाई वेरिएबल है, ये टेन वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल में हाईएस्ट पावर कितनी निकल के आ रही है, देखो यहाँ तीन है, यहाँ सात है, तो हम बोलेंगे यही क्या है इसकी डिग्री, इसका मतलब ये इस पूरे पॉलीनोमियल की क्या कहलाएगी, घात। बहुत ध्यान से देखना, कॉन्स्टेंट की पावर से मैं कोई मतलब नहीं है, सो हो दस हो कितनी भी हो, क्यों, क्योंकि इस पावर को तो हम क्या कर सकते हैं, दस को आठ बार मल्टीप्लाई करके इसको एक सिंगल टर्म बना सकते हैं, इसको बदल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, केवल वेरिएबल की पावर को देखना, या वेरिएबल की पावर सात सबसे ज्यादा थी तो इस वाले पॉलीनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, सात हो जाएगी। अब एक और है जिसमें क्या होता है, एक ही टर्म में, एक ही पद में क्या होता है, एक से ज्यादा वेरिएबल यूज करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई यूज हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये क्या है, एक ही टर्म के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल्स यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, टर्म की पावर निकालेंगे, यानी पद की पावर निकालेंगे। तो पद की पावर कैसे निकाली जाती है, सभी वेरिएबल्स सभी चरों की पावर क्या कर दो, एड कर दो। तो यहाँ एक्स की पावर दो है, वाई की पावर वन है, तो इस वाले टर्म की पावर कितनी आ गई, तीन आ गई। यहाँ क्या है, दो प्लस दो, यानी कि इसकी पावर कितनी है, चार है, और यहाँ कितना है, तीन प्लस दो यानी कि पांच है। तो इसमें से ये क्या है, हाईएस्ट है, तो ये वाली ही क्या कहलाएगी, इस पूरे पॉलीनोमियल की डिग्री कहलाएगी। ये चीज भी ध्यान रखना। इसके अलावा दो छोटे छोटे नोट और है, और एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी हम देख लेते हैं, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। तो देखो आगे हम और देखते हैं कि जो डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल है, इसी में दो छोटे छोटे नोट और बन सकते हैं। वो नोट क्या है, देखो समझो, जैसे ये नोट वन है और ये नोट टू है, इन दोनों को समझना, बहुत अच्छे नोट है, एक नंबर में क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है। देखो क्या है, कहीं पे केवल कॉन्स्टेंट दे दिया हमारे को, यानी कि अचर दे दिया, तो उसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टेंट वाला पॉलीनोमियल, यानी कि अचर बहुपद बोलते हैं उसको। तो वहां क्या होगा, उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, वेरिएबल तो है ही नहीं। तो हमने अभी देखा था दो तीन एग्जांपल्स पहले, तो क्या किया था, उसके मल्टीप्लाई में अगर x पावर 0 या y पावर 0 मान ले तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखो यहाँ 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 7 ही आ जाएगा,
इसी तरीके से y की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे x की पावर 0 y की पावर 0 रखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर समझ लें कि यहाँ वेरिएबल x है तो उसकी पावर कितनी रखनी पड़ेगी हमारे को, 0 रखनी पड़ेगी। तो जब कभी भी कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की बात हो यानी अचर बहुपद की बात हो तो उस टाइम पे उसकी डिग्री हमें कितनी लिखनी है, 0 लिखनी है। तो एक नंबर में पूछ सकता है कि बताओ व्हाट इज द डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि अचर बहुपद की घात कितनी होती है, तो 0 होती है यानी कि 0 होती है। ये चीज बहुत ध्यान से समझना। इसके अलावा देखो नोट 2 क्या कहता है कि अगर वो जो कॉन्स्टेंट था यानी जो अचर था उसकी जगह पे भी हमने क्या यूज कर लिया, 7, 8 वगैरह यूज नहीं करके क्या यूज कर लिया, 0 यूज कर लिया। तो इस वाले केस में क्या होगा, देखो 0 है, 0 का अगर हो सकता है 0 से पहले कुछ ऐसा रहा हो 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो इसके हिसाब से इसकी पावर कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है क्योंकि वेरिएबल की पावर 2। इसके हिसाब से क्योंकि इसकी भी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0 से, 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो 0 को अगर x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करो गुणा करो तो भी 0 ही आएगा। 99 हो x की पावर उससे मल्टीप्लाई करें तो भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। अगर x की पावर 1000 हो उससे मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आएगा। तो इसके हिसाब से तो लग रहा है कि 2 पावर हो सकती है, इसके हिसाब से 3 हो सकती है, 99 हो सकती है, 1000 हो सकती है। तो कौन सी पावर होगी हम बता ही नहीं पा रहे कि कितनी पावर रही थी इसकी। तो जो भी 0 पॉलिनोमियल होगा जिसको शून्य बहुपद बोला जाता है उसकी जो पावर है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है यानी कि अपरिभाषित। तो हम बता ही नहीं सकते कि 0 की कितनी पावर होगी। तो जो 0 पॉलिनोमियल होता है, शून्य बहुपद होता है, उसकी पावर क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ये भी एक नंबर पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एक बहुत अच्छा नोट है वो भी देख लो यहाँ पे, ये तुम लोग यूज करोगे बार बार। अब मैं क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो मैं इसको बार बार एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 नहीं बोलूंगा, इसका मैं कोई नाम निकाल देता हूँ। नाम कैसे निकाला जाता है वो समझो, यहाँ कौन सा वेरिएबल यूज किया हमने, x वाला वेरिएबल यूज करके इस पॉलिनोमियल को लिखा है हमने। तो हम क्या लिखते हैं इसको, इस तरीके से लिख देते हैं। देखो इसको क्या लिखा, p और ब्रैकेट में x, ब्रैकेट में वही चीज लिखेंगे जो कि हमारा वेरिएबल है, जो चर तुमने यूज किया उसको तो ब्रैकेट में लिख देंगे। और यहाँ p इसकी जगह पे कभी कभी g भी यूज किया जाता है, f भी यूज किया जाता है, केवल लिखने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। f लिखो p लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको क्या पढ़ा जाता है, पॉलिनोमियल इन x यानी कि x के अंदर ये क्या है, एक बहुपद है। या अब देखो इसका एक और एग्जांपल मैंने लिखा है, जैसे यहाँ वेरिएबल क्या यूज किया हमने, यू यूज किया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि मैंने इसको एफ यू लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल क्या यूज किया हमने, यू वेरिएबल को यूज किया है और इसका नाम हमने क्या दे दिया, एफ। तो एफ यू एक पॉलिनोमियल है इन यू, यू वाले वेरिएबल के अंदर एक पॉलिनोमियल बनाया हुआ है। वो क्या होगा, ये कभी कभी क्या होता है कि एक से ज्यादा वेरिएबल भी दिए हुए होते हैं हमारे सिलेबस में, तो क्या है 9th और 10th दोनों में ही केवल एक ही सिंगल वेरिएबल को यूज करके ही हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाए तो सभी वेरिएबल्स को कोमा से सेपरेट करके यानी कोमा से अलग अलग करके कहाँ लिख देंगे, छोटे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और इसको कुछ नाम दे दिया। तो पॉलिनोमियल इन एक्स और वाई वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो मैं इसको केवल क्या बोल के चलूंगा, यहाँ पे ये बोल के चलूंगा, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो थैंक यू, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।